दसवीं बोर्ड परीक्षा में पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान प्राप्त करने वाली होनिशा के पास हम मौजूद हैं। इस परिवार में खुशियों का बहार आ गया है और होनिशा यहाँ पर मौजूद है। होनिशा, एक बड़ी सफलता आपको मिली है, एक बड़ा अचीवमेंट है, क्या कहें? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती मैं क्या कहूँ। परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस सफलता का श्रेय आप किसे? मेरे सभी टीचर्स और मेरी पूरी फैमिली को। कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? 7 से 8। क्या क्या कुछ तकलीफें आती थी आपको? हाँ, छोटी मोटी तकलीफें आती थी, लेकिन पूरे टीचर्स सभी लोग बहुत सपोर्ट किए, सभी ने बहुत बहुत अच्छे से गाइड किया, उन्हीं के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। ये बताएंगे कि जो एग्जाम था उसमें किसी तरह का आपको दबाव तो नहीं था, मानसिक रूप से परेशान? ऐसा कुछ नहीं था। क्या कहेंगे बाकी स्टूडेंट्स के लिए? मैं इतना कहूँगी कि वो भी मतलब पढ़ाई करे, अच्छे से करे, सोशल मीडिया मोबाइल वोबाइल से दूर ही रखे। जब रिजल्ट आया तब आप उससे पहले क्या सोच रहे थे और रिजल्ट आने के बाद क्या? रिजल्ट आया तो मैं मतलब कुछ ही नहीं सोच रही थी, मतलब सोचे भी नहीं थे कि रैंक 2 आएगा। आपके स्कूल का नाम? सरस्वती शिशु मंदिर कोपरा। और क्या कहना चाहेंगे, एक बड़ी सफलता आपको मिली? मुझे कुछ नहीं, खुशी है परिवार। मेरी दीदी का एक लाइन था, शिक्षा ऐसे लो कि आप दूसरों को बता सको। पापा क्या करते हैं? किसान है। तो किसान की बेटी है होनिशा, जो आज पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान प्राप्त कर ना केवल अपने गांव का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन की है, अपने माता पिता का नाम रोशन की है, और जो बड़ा संदेश इन्होंने दिया है वो काफी है। होनिशा को हम भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिन्होंने आज बेटी होकर इस पूरे प्रदेश में नाम रोशन किया। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान।